नमस्कार, मैं निवेदिता राठौर, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सुरेखा झारिया पिता सुखचैन थाना धूमा की रहने वाली हैं। इनका विवाह पारस कॉलोनी छपारा जिला सिवनी में हुआ था। सुरेखा के ससुराल वाले उसे यातनाएं और प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण सुरेखा अपने मायके वापस आ गई थी। लेकिन आपसी सुलह के बाद सुरेखा वापस ससुराल चली गई और 25 जनवरी को छपारा सुरेखा के ससुराल से किसी ने फ़ोन पर जानकारी दी कि सुरेखा घर से लापता हो गई। सुरेखा के माता पिता और परिवार वालों ने थाना छपारा में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि सुरेखा को कैद में रखा गया है या षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या का ठिकाने लगा दिया गया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब कल हम यहाँ चेक कर लिए, हम थाना से आके यही आए पहले पुलिस के मालूम है और की कहाँ है लड़की। जब एक बात बताओ, लड़के को यही बात करो, एक बात बताइए आप, लड़का आया, लड़का आया तो क्यों नहीं पूछे? क्यों तारीख को हमने कंप्लेन किए? 27 जनवरी। हाँ, तो तुरंत हमने और हमको जिसका शक था हमने उसका भी लिखवाए, फिर भी मैडम ने कुछ नहीं करी हमारे बारे में। कब आओ? गरीब आदमी की बात होती तो सब पैसा देकर और छानबीन कर जाते। आज बड़े आदमी होती तो आज सब कोई क्या होता, ले जाके दफना देते। मेरे पास रही लड़की। ऊपर मत चढ़ो भाई, नीचे जाओ। अब्बे पे पुलिस वाले, ए भाई नीचे दे। अब्बे पे पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं। नहीं चल जाओ, नहीं चल जाओ।